अस्सलाम वालेकुम, मैं मैथ्स कंस्ट्रक्शन से हूँ आपके साथ कार्यक्रम में। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारी ज़रूरत बढ़ जाती है, हमारी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, तो हम कोई भी ब्रिज है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज इंफॉर्मेशन दूँ। ये आप देख सकते हैं, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये हमारा एक ब्रिज है जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये हमारा ब्रिज जो है ये रुई के ऊपर है, नीचे से रुई गुजर रही है। इसको एक्सटेंड करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है उसका बढ़ती हुई तादाद की वजह से इस ब्रिज को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने करना ये होता है कि हमारा ये वन वे है, तो पहले एक साइड को हमने एक्सटेंड करना होता है, उसके बाद दूसरी साइड को एक्सटेंड किया जाता है, ताकि हमारी जो ट्रैफिक है उसमें खलल ना पड़े, ट्रैफिक हमारी चलती रहे और हमारा काम भी होता रहे। इसके लिए सबसे पहले हमने पाइलिंग करनी होती है, पाइलिंग के बाद उसके ऊपर पाइल कैप बनाना होता है। पाइल कैप के ऊपर पियर होता है हमारा, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर पियर नज़र आ रहा है, ये पियर है। पियर के ऊपर हमने ट्राजम बनाना होता है, और ट्राजम के ऊपर हमने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लंबाई के रूप, ये हमारे गार्डर हैं। ये जो हमारी पाइलिंग, पियर, पाइल कैप, ट्राजम, ये हम साइड के ऊपर कास्ट करते हैं, और ये हमारे जो गार्डर होते हैं ये हम प्री कास्ट लेके आते हैं। इसके लिए हमने गार्डर यार्ड बनाया होता है, जहाँ से हम इनको कास्ट करते हैं। कास्ट करने के बाद इनको साइड पे ला के लॉन्च कर दिया जाता है ट्राजम के ऊपर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग और बहुत सीखने वाली बात है, ये जो हम गार्डर ट्राजम के ऊपर लॉन्च करते हैं, तो इनके दरमियान में आपने कभी देखा होगा कि एक बेयरिंग पैड लगा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये बेयरिंग पैड दो तीन तरह के होते हैं, रबड़ का भी होता है। एक बेयरिंग पैड कप नुमा शेप का होता है, एक कप के अंदर दूसरा गोल बाउल सा होता है, वो उसके अंदर रोटेट होता रहता है, जैसे ओरिएंट ट्रेन मेट्रो उस पे लगाए गए हैं वो वाले बेयरिंग पैड। आमतौर पे ये जो ब्रिज होते हैं यहाँ पे ये रबड़ पैड यूज़ किए जाते हैं, ये रबड़ पैड आपने देख लिया होगा। इसका मकसद ये होता है कि जब हमारी ट्रैफिक ऊपर से गुजरती है, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से उसमें ब्रिज में क्रैक नहीं आते, ब्रिज को नुकसान नहीं होता, ये रबड़ जो है उस वाइब्रेशन को अपने अंदर कंट्रोल कर लेती है, और हमारा ट्रैफिक की वजह से कोई ब्रिज को इशू नहीं आते। तो फिर आप देख रहे हैं कि गार्डर के ऊपर ये सरिये छोड़े हुए हैं, स्टील ऊपर से नज़र आ रहा है। इसका मकसद ये है कि अब इसके ऊपर एक फॉर्मवर्क लगाया जाएगा, फॉर्मवर्क के ऊपर इसके ऊपर कंक्रीट करके इसके ऊपर एस्फाल्ट कर दी जाएगी, और हमारा ब्रिज तैयार हो जाएगा। एक सेंटर में भी आप स्टील देख रहे हैं गार्डरों के दरमियान में, उनको आपस में लैप कर दिया जाएगा, और ये एक बीम की शक्ल में एक दूसरे के साथ सारे जॉइंट कर जाएंगे और एक यक जान हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ब्रिज जो है पहले से बने हुए उसको इस तरह एक्सटेंड कर लिया जाता है। नए ब्रिज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। ये तो था ब्रिज एक्सटेंड जो किया है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। नई वीडियो में मुलाकात है।